इतिहास बताता है कि समुद्री रास्ते से सबसे पहले भारत की यात्रा करने वाले पुर्तगाली नागरिक वास्को डी गामा थे, लेकिन रूस भारत संवाद के भारतीय संस्करण में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार अफनासी निकितिन समुद्री रास्ते से भारत में दाखिल होने वाले पहले यूरोपीय नागरिक थे। आइए निकितिन की नज़र से भारत की एक झलक देखते हैं। अफनासी निकितिन 1469 में भारत पहुंचे थे और उन्होंने भारत में 3 वर्ष बिताए थे। इन 3 वर्षों में निकितिन ने भारत को बहुत ही करीब से देखा था और उन्होंने भारत की परंपरा, धर्म और लोगों के बारे में अपनी डायरी में लिखा। निकितिन समुद्री रास्ते से भारत आए थे। अरब सागर को पार करते हुए सबसे पहले वो गुजरात पहुंचे, उसके बाद खंबात की खाड़ी से होते हुए दक्षिण की ओर बढ़ते गए और मुंबई के निकट बसे चौला गाँव पहुंचे। यहाँ निकितिन ने अपनी डायरी में भारत के पहले अनुभव को लिखा। निकितिन ने लिखा, यह भारत भूमि है, यहाँ हर आदमी लगभग नंगा है, औरतें ना तो सर ढकती हैं और ना ही स्तन, उनके बाल एक में गुथे रहते हैं और स्थानीय लोग यूरोपीय रूप रंग वाले आदमी यानी उन्हें देखकर आकर्षित होते हैं। अफनासी निकितिन ने भारत के शासन का भी उल्लेख किया। उनके अनुसार भारत में अनेक छोटे बड़े राजा शासन करते हैं और दक्षिण में ज्यादातर राज्यों पर मुस्लिम शासक हुकूमत करते हैं। इन राज्यों में सबसे शक्तिशाली बहमनी सल्तनत थी। निकितिन की डायरी से पता चलता है कि उन्होंने अपना नाम बदल लिया था। उन्होंने अपना नाम खोजा यूसुफ खुसरानी रख लिया था और रमजान के महीने में उपवास भी रखते थे। हालांकि उन्हें इस बात का अफसोस था कि वह अपने ईसाई धर्म से भटक गए। चौल से आगे बढ़ते हुए वह जुन्नर पहुंचे, जहाँ के मुस्लिम शासक ने उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए फिरौती के तौर पर उनका घोड़ा वापस करने और 1000 सोने की गिन्नियों का लालच दिया। लेकिन एक मित्र की मदद से निकितिन वहाँ से भागने में कामयाब रहे, जिसके बाद वो बिदर यानी कर्नाटक पहुँचे और वहाँ के सल्तनत के बारे में लिखा कि यहाँ के शासकों के पास भोग विलास के साधनों की भरमार है, लेकिन आम जनता गरीब है। कर्नाटक में ही निकितिन हिंदू शासकों से मिले, जहां उन्होंने हिंदू धर्म की पुरातन परंपरा के अनुभवों को अपनी डायरी में जगह दी। निकितिन ने भारत के धर्म के बारे में लिखा कि यहां अनेक संप्रदाय हैं और कुल मिलाकर 84 धर्म हैं, लेकिन हर इंसान यहां धार्मिक है। विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग ना एक साथ खाते पीते हैं ना विवाह करते हैं। यहाँ कुछ लोग बकरा, मुर्गा, मछली, अंडा खाते हैं, लेकिन किसी भी धर्म के अनुयायी गौ मांस नहीं खाते। निकितिन ने डायरी में लिखा कि हिंदू धर्म के लोग जितना नहीं संकोच मुझसे मिलते हैं, उतना मुस्लिम लोगों से नहीं मिलते। भारतीय महिलाएं भले ही साधारण सी साड़ी पहनती हों, लेकिन उनके शरीर पर कीमती जवाहरात ज्यादा होते हैं। निकितिन की डायरी से लोगों को बहुत सी जानकारियां मिली। इनकी यात्रा पर आधारित एक फिल्म भी बनी है, जिसे भारत के साथ साथ रूस में भी काफी पसंद किया गया। निकितिन की भारत यात्रा से प्रभावित होकर भारतीय फिल्म निर्देशक ख्वाजा अहमद अब्बास ने परदेसी नाम से फिल्म बनाई। इस फिल्म में उन्होंने भारतीय और रूसी लोगों के संबंध को दर्शाया है। परदेसी में मुख्य भूमिका में अदाकारा नरगिस और मशहूर रशियन अभिनेता अलेक स्त्रिजनोव थे, जिन्होंने निकितिन की भूमिका अदा की थी। यह फिल्म रशियन में जर्नी बियॉन्ड 3 सीज के नाम से रिलीज हुई थी, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। निकितिन ने अपनी यात्रा से जो भारत का चित्र लोगों के सामने रखा, उससे रूसी नागरिकों में भारत के प्रति रोमानी भावना पैदा हुई, जिसके बाद रूस में भारत अध्ययन की एक समृद्ध परंपरा विकसित हो गई। देखते रहिए डीवी लाइव।